राज्य महिला आयोग की चेयरमैन सुमन बेदी ने किया नागरिक अस्पताल भवानी खेड़ा का औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान डॉक्टरों की भारी कमी दिखाई दी। उन्होंने पूरे नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया तो पाया कि पानी की टंकियों को सही से साफ नहीं किया गया। महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह सरकार के पास नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी और महिलाओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं को लेकर पत्र लिखेंगी। उन्होंने कहा कि पानी की टंकी में मिली गंदगी के बारे में उन्होंने सफाई कर्मचारियों को सही से कार्य करने की नसीहत दी है। देखिए, आज ये औचक निरीक्षण था कि सिविल हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं और लोगों को उनका फायदा मिल भी रहा है या नहीं। एक जो सबसे बड़ी कमी है जो हमारे सामने आई है, आयोग, महिला आयोग हर उस जगह दौरा करता है, निरीक्षण करता है जहां पर महिलाओं से संबंधित कोई भी योजना चल रही है, तो महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं जो सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए आती हैं, इलाज की दरकार होती है, उनकी सबसे प्राथमिक ज़रूरतें हैं हमारी स्वास्थ्य। और यहाँ पर मैंने देखा, यहाँ पर ही नहीं, हरियाणा के कई डिस्ट्रिक्ट में हमने विजिट की है, सिविल हॉस्पिटल की जो सबसे बड़ी कमी है वो है डॉक्टर्स की कमी। लेकिन वो हम सरकार को सब डिस्ट्रिक्ट की विजिट करके, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, सब विजिट करने के बाद अपनी रिपोर्ट हम भेजने जा रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में हमारी मीटिंग है और उसमें हम सिफारिश भेजेंगे सरकार को कि डॉक्टर्स की कमी को भी जल्द पूरा किया जाए और भी जो सुविधाएं, जो मशीन है हमें चाहिए ट्रीटमेंट के लिए वो भी, ताकि हम उन चीज़ों की जानकारी हमें मिले और वही हम लिख सकें, ताकि जनता को हर तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। और एक चीज़ ये है कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी में चूक करते हैं, पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, उनके लिए भी ये निरीक्षण है, इस तरह के थोड़ा उनको सतर्क करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं, ताकि जनता में भी ये भावना आए कि नहीं, उनके लिए भी कोई, उनकी सुनवाई के लिए भी कोई बैठा है, कोई काम कर रहा है। और इन लोगों को भी ये ध्यान रहे कि आपको जिस काम के लिए लगाया गया है आपको खरे उतरना है। क्या पाया गया निरीक्षण में? देखिए, पानी की टंकियाँ काफ़ी गंदी हैं, जो सफाई कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि आइंदा से ऐसी कोई कमी ना पाई जाए। आज मैं आई हूँ, हो सकता है मैं दोबारा 10 दिन बाद आ जाऊँ, नहीं तो कोई और अधिकारी भी आए, तो हम इस और विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यही पानी स्वास्थ्य रखने के लिए, रहने के लिए ज़रूरी है। और इस पानी के बदौलत यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, वो अगर गंदा पानी पियेंगे तो और बीमारियाँ लगेंगी उनको,